हेलो, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तो आप काची की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी का। अच्छा, यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी आपको कब एग्ज़ाम देना है? 2026 तो टारगेट है। अच्छा, तो मैम अभी आपका अच्छा खासा पढ़ाई हो चुका होगा? हाँ, हो तो चुका है। अभी 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है? नहीं नहीं हुआ, इस साल फाइनल है। अच्छा, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहोगे जो लड़के अभी आने वाला है या 12th पास किया है या ग्रेजुएशन में है, उसको आप क्या बताना चाहोगे कि शुरुआती में उसको कैसे तैयारी करना चाहिए यूपीएससी का? पहले तो उसको पहले बेसिक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोचिंग वगैरह में अगर करना है तो नाम लिखवाना चाहिए। वरना कोचिंग में डायरेक्ट नाम लिखवाने से ये होगा कि इतना समझ में आएगा नहीं, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो। अच्छा मैम, ये बताइएगा इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, 2-3 महीना बच रहा है एग्ज़ाम यूपीएससी का, तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए? क्योंकि आप भी 7-8 महीना तैयारी कर चुके हो, तो आपको भी अच्छा खासा इसमें नॉलेज हो चुका है, तो आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, हमको उतना पता नहीं है अभी एग्ज़ाम के प्रेशर के बारे में। अभी हम लोग क्लास ही स्टार्ट किए हैं तो नहीं बता सकते हम उतना कुछ। और उन लोगों को क्या बताना चाहोगे जो बहुत दूर दराज से रहते हैं, गांव के लड़की रहते हैं, जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण नहीं तैयारी कर पाते हैं, उनके परिवार वाले नहीं कहते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर ये रहता है कि तैयारी करना चाहिए, उन लोगों को क्या आप बताना चाहोगे? मतलब क्या कोचिंग से रिलेटेड? हाँ, मतलब जो गांव में रहते हैं और यहाँ नहीं आ आएंगे। ज़रूरी नहीं है वैसे कोचिंग, लेकिन एक गाइडेंस होना चाहिए बस कि कैसे तैयारी करना है। अगर वो गाइडेंस अवेलेबल है तो ठीक है, कोचिंग वही ना प्रोवाइड करवाता है, बस और कुछ नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो टाइम दिया। थैंक यू।